गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। और आज मैं किचन में हूँ और दलिया बना रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम है और क्योंकि दलिया मॉर्निंग के टाइम पे बच्चे खा लेते तो बड़ा हेल्दी नाश्ता हो जाता है और काफ़ी फ़ायदा करता है सेहत के लिए। तो और एक तरफ कुछ की मैं बॉटल तैयार कर रही हूँ और एक तरफ बच्चों के लिए दलिया तैयार कर रही हूँ। तो कुछ भी जग गया था मॉर्निंग के टाइम पे ही, वो भी मेरे साथ उठ गया था, तो उसकी बॉटल इस समय हम तैयार कर रहे हैं। Yo que sondra y gribo yo pa' atrás Haz mi balda, razumo, viva la música anda Chimini, mini, y ahora también le viene la licoría Mi sentido, mi और अब मैं चढ़ाई हूँ चाय एक तरफ और एक तरफ मैं ब्रेड सेक रही हूँ। और ये आज का हमारा ब्रेकफास्ट है। तो दलिया बच्चे खा चुके हैं और चाय अपने लिए ब्रेड बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं। तो मैं आ चुकी हूँ रूम में। अब मुझे जो सारी रजाई है, ठंडक तो कम हो चुका है और मुझे कुछ रजाई, क्योंकि कमरे में ज्यादा रजाई हो गया है, तो मैं जो है सब रजाई रख दूंगी। और एक रजाई और एक कंबल यहाँ पे छोड़ देना है हमको। और धूप में दिखाने जा रहे हैं इसको। धूप में डालने के बाद जो है इसको मैं बक्से में डालना है, क्योंकि ठंडक हो गया है कम और कमरा था। रजाई मैंने धूप में डाल दी है, अच्छी से धूप लग गया, धूप बहुत तेज है। मेरा खाना है सब्जी, चावल, रोटी है, सलाद है, दाल है। मेरा सारा काम खत्म हो चुका है, अब बज रहे हैं 3:30। तो मेरा काम खत्म हो चुका है, अब 2:30 बज चुके हैं। अब मैं रूम में आई हूँ और मैंने आज क्या करते हैं रजाई वगैरह और सब धूप में डाल दिया है, क्योंकि मुझे आज उसको डालना है बक्से में, क्योंकि ठंडा का टाइम खत्म हो गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि रूम को सही कर दे, रूम बहुत दिखा रहता है। तो कुछ रजाई भी कंबल बचे हैं तो मैं उसको तय करने जा रही हूँ, उसका रूम साफ़ करूँगी। रूम साफ करने के बाद मुझे जाना है फैजाबाद। और कल मुझे पता चला कि वहाँ पर ऑफर चल रहा है, ऑफर है 50% का। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे मतलब इस तरह की मार्केट में जाना। तो वी मार्ट में सुन रहे हैं कि ऑफर है, 50% का ऑफ रहेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को भी ले चलती हूँ, कैसा ऑफर है, कितना क्या है। अगर मुझे ऑफर सही लगेगा तभी मैं लूँगी, वरना मैं नहीं लूँगी। बट आप लोग मेरे साथ में चलिए, वीडियो से पूरा बने रहेगा। पहले मैं रूम को थोड़ा सा साफ कर दूँ, फिर मैं चलूँगी, क्योंकि खुश को भी मैंने सारा, खुश का भी सारा काम मैंने खत्म कर दिया। उसको मैंने नहला दिया, खिला वला दिया, अब उसको नींद लगी, बट मेरे नीचे मम्मी के पास है। तो ये देखिए रजाई कंबल को तय करके हटाना है। थोड़ा सा रूम मेरा बहुत गंदा पड़ा है इस समय, थोड़ा सा रूम भी साफ करना है। और कृष्णा यहाँ पे खाना खा रहे हैं, फटाफट रूम को साफ कर लूँ और फिर क्या कहते हैं, अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, मार्केट से मैं आऊंगी। फिर रजाई गद्दे को मैंने धूप में डाला, उसको उठा के मुझे बक्से में डालना है। चलिए, और क्योंकि क्या होता है ना, अगर धूप लगी रहे रजाई में तो रजाई खराब नहीं होगा, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रजाई गद्दे को जो है बक्से में डालने से पहले धूप पिघला दिया जाए। तो वही मैं आज भी कर रही हूँ, जितना मुझे बक्से में डालना उतना मैंने डाल दिया है। और ये सब पूरा मुझे नहीं डालना, क्योंकि भी थोड़ा सा ओढ़ने, रात पर ठंड लगेगी। तो चलिए फिर मैं इतना अपना काम डालूँ, मुझे जाना फैजाबाद, ऑफर आप लूँगी, देखिएगा। तो हमारा फैजाबाद का प्लान कैंसिल हो गया, नहीं जा पाएंगे, बीमार हस्बैंड मेरे अभी स्कूल से आए, लेट हो गया है, तो ये बहुत थके हुए हैं, कह रहे नहीं जाना। मैं भी तैयार हो चुकी थी, नहीं जा रहे हैं, कल संडे है, कल संडे को जाने के लिए बोले। तो मैं आपको वहाँ का ब्लॉग कल दिखाऊंगी। और कहीं लेने चलोगे इनको? हाँ, लोकल में घूम ले, क्योंकि हम तैयार हो चुके, कहें चलो चलो अच्छा है, अब पहले इनको खाना वाना खिला दें। नदी जा रहे हैं, नदी पुल के ऊपर उनको ले जा रहे हैं। चलिए फिर चलते हैं, बच्चे सारे घर पे रहेंगे, इनको पहले इसको खाना ना खिला दें, तो हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे। दरवाजा बंद कर लो बेटा, कैसे दरवाजा बंद कर लो, कुछ कुछ संभालना, कुछ कुछ संभालना, दरवाजा बंद कर लो बेटा, जा क्या बंद कर लो, दरवाजा बंद कर लो,
फाइनली हम पुल पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बहाव बहुत तेज है, तो मुझे बहुत मतलब यहाँ से बहुत तेज़ से हवा चल रही थी, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और इस समय पानी काफ़ी बढ़ा हुआ है यहाँ पे सरजू जी का, और ये क्या कहते हैं बोटिंग हो रही है। और लेकिन हस्बैंड ने कहा चलोगी नीचे, मैंने मना कर दिया, हवा बहुत चल रही थी, ठंडा भी मौसम था, तो मुझे मैंने मना कर दिया। फिर मैंने मुझे मन हुआ था बताशे खाने का काफ़ी दिनों से, तो बट आज फाइनली मुझे बताशे की दुकान दिख गई। और ये दुकान क्या कहते हैं नए घाट पर ही है और यहाँ पे लोग बताशे खा रहे थे, मैंने भी तो मेरा मन था, तो हस्बैंड ने कहा चलो। तो ये कृष्णा पानीपुरी, पानीपुरी का नाम सुनते ही जो है बोलते ही मुँह में वैसे भी पानी आ जाता है। और ये आप लोग देख लोगे साइड में नए घाट पे जो लाई वगैरह है, ये अयोध्या का बहुत फेमस प्रसाद यही लोग चढ़ाते हैं ले जाके, तो यहाँ पे काफ़ी लाइन से ही यहाँ पे प्रसाद यहाँ पे यही मिलता है। तो ये देखिए लाई है और क्या कहते हैं वो बोलते हैं ना जो, अरे वो क्या नाम नहीं याद आ रहा है, वो क्या रामदाना, रामदाना तो रामदाना का यहाँ पे पापड़ी भी देते हैं। और मैं इस समय बताशे खा रही हूँ, ये देखिए जिसको जिसको भी बताशे खाने हो कमेंट ज़रूर करना, और आप लोग भी बताइए कि कौन इसको गोल, बहुत लोग इसको गोलगप्पे भी बोलते हैं ना, बट मैं इसको बताशे या गोलगप्पे जो भी बोल देती हूँ। और आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों के यहाँ पे इसको किस नाम से बुलाया जाता है, पानीपुरी की गोलगप्पे की और क्या नाम, मुझे और नहीं नाम पता है, तो आप लोगों को ज़रूर कमेंट करना कि, और जिसको जिसको भी बताशे खाने वो आ जाए। पानी है। ये कौन सा है? मटर। ये कौन सा है? कौन सा है? खट्टा मीठा। ये जंजीरा। वो लग गया है? कैसा लगा आपको? टेस्ट अच्छा है ना, बताशा भी अच्छा है।